अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं, प्रॉब्लम नंबर 3। लिमिट x टेंस टू 1, 1 प्लस कॉस पाई एक्स इंटू कॉट स्क्वायर पाई एक्स। ये टाइप 1 ट्रिग्नोमेट्रिक है, वेरिएबल फाइनाइट नंबर टेंड करा तो टाइप 1 का हुआ, इन्फिनिटी टेंड करता प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी तो टाइप 2 का, टाइप 1 ट्रिग्नोमेट्रिक। इनडिटर्मिनेट फॉर्म कौन सा है, देखिए x के जगह पर 1 रखिएगा cos पाई माइनस 1 होता है, 1 माइनस 1 0, और cot पाई अनडिफाइंड होता है, लेकिन यहां टेंस टू पाई है, cot थीटा व्हेन थीटा टेंस टू पाई इन्फिनिटी होता है, प्लस इन्फिनिटी भी हो सकता है और माइनस इन्फिनिटी भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा कि लेफ्ट साइड से आ रहे हैं कि राइट साइड से, तो ये प्लस माइनस से हमको मतलब नहीं, इन्फिनिटी होगा, तो ये जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म जीरो इंटू इन्फिनिटी है। अब इसमें हमने कहा था कि टाइप 1 ट्रिग्नोमेट्रिक में सबसे पहले वेरिएबल को जीरो टेंड कराना होगा, इसके लिए क्या करना पड़ता है, अगर x टेंस टू a है तो x के जगह पर a प्लस h रखेंगे, यहां x टेंस टू 1 है तो x के जगह पर 1 प्लस h रखेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस h, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं देन एज x टेंस टू 1 h विल टेंड टू 0। अब रिक्वायर्ड लिमिट क्या हो जाएगा, हम रिक्वायर्ड लिमिट क्या हो जाएगा, मतलब रिक्वायर्ड लिमिट इसमें रखते हैं लिमिट h टेंस टू 0, अब x के जगह पर हम 1 प्लस h रख, 1 प्लस cos पाई, एक्चुअली पाई x को हम यही निकाल ही लेते हैं, पाई x क्या हो जाएगा, पाई इंटू 1 प्लस h, दैट इज पाई प्लस पाई h, डायरेक्टली लिख सकते हैं या यहां भी कर सकते हैं, तो पाई एक्स क्या हो गया, पाई इंटू 1 प्लस एच, यहीं पर करते हैं, और ये क्या होगा कॉट स्क्वायर पाई इंटू 1 प्लस एच, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एच टेंस टू 0 हुआ, एच टेंस टू 0, और ये क्या हो गया 1 प्लस कॉस पाई प्लस पाई एच, और ये क्या हो गया कॉट स्क्वायर पाई प्लस पाई एच। हम जानते हैं कॉस पाई प्लस थीटा कितना होता है, कॉस पाई प्लस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा, तो कॉस पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो ये कॉस पाई प्लस पाई एच क्या होगा, माइनस कॉस पाई एच, और कॉट पाई प्लस थीटा कॉट थीटा होता है, तो कॉट पाई प्लस पाई एच होगा कॉट पाई एच, स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा, कॉस पाई प्लस थीटा एक्चुअली होता है माइनस कॉस थीटा, और कॉट पाई प्लस थीटा होता है कॉट थीटा। अब ये 1 माइनस, हमारा एम क्या है, साइन 0 या टेन 0 फैक्टर के रूप में, कॉट 0 आ गया इसको तो 1 बाई टेन लिख देंगे तो टेन 0 हो जाए, ये 0 हो रहा तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और कॉट स्क्वायर को डिनोमिनेटर में लाइए टेन स्क्वायर लिख दिया, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और अब शॉर्टकट अगर लगाए ऐसे बनाएंगे तो साइन 0 आ गया थीटा से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे, टेन 0 आ गया थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन शॉर्टकट हमने कहा था कि साइन 0 या टेन 0 फैक्टर के रूप में आ जाए तो साइन थीटा के जगह पर थीटा और टेन थीटा के जगह पर थीटा रख दीजिए, तो साइन थीटा के जगह पर थीटा रखा जाए, साइन पाई एच बाई 2 के जगह पर पाई एच बाई 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, टेन थीटा के जगह पर थीटा रखें, हाँ थीटा टेंस टू 0 होना चाहिए, एच जब 0 टेंड कराइएगा तो ये 0 टेंड कर रहा तो टेन थीटा के जगह पर थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, ये पाई एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, पाई एच का स्क्वायर तो 2 इंटू 1 बाई 4 दैट इज 1 बाई 2, आंसर विल बी 1 बाई 2। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं, प्रॉब्लम नंबर 4। लिमिट x टेंस टू 0, साइन पाई कॉस स्क्वायर x बाई एक्स स्क्वायर, वेरिएबल फाइनाइट नंबर टेन कर रहा इसलिए टाइप 1 का हुआ, टाइप 1 ट्रिग्नोमेट्रिक है,
टाइप वन ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम को बनाने का क्या मेथड बतलाया था? सबसे पहले देखिए कि वेरिएबल जीरो टेंड कर रहा है कि नहीं। अगर वेरिएबल जीरो टेंड करा तो कोई चेंज नहीं करेंगे, अगर वेरिएबल जीरो नहीं टेंड करा, एक्स टेंड्स टू ए है तो एक्स के जगह पर ए प्लस एच रखें। यहां एक्स टेंड्स टू जीरो पहले से है इसलिए कोई चेंज नहीं करेंगे। इनडिटर्मिनेट फॉर्म कौन सा है, एक्स के जगह पर जीरो रखेंगे कॉस जीरो वन तो ये साइन पाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर में जीरो यानी जीरो बाई जीरो फॉर्म, दैट इज जीरो बाई जीरो फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म जीरो बाई जीरो है। अब इसको वेरिएबल तो जीरो पहले से टेंड करा, सिंप्लीफाई करें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो फैक्टर जीरो हो रहा उसको फर्दर सिंप्लीफाई करते जाए, जब साइन जीरो या टेन जीरो फैक्टर के रूप में आ जाएगा तो सिंप्लीफाई करना रोक देगी। अब हमारा एम है, ये देखिए ये एंगल एक्स जीरो रख रहे हैं तो साइन पाई आ रहा, ये एंगल थीटा आता तो साइन जीरो हो जाता, थीटा यहां पर पाई हो रहा तो क्या करना होगा, ये कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, साइन पाई इंटू वन पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। साइन पाई माइनस थीटा का फॉर्म हो गया साइन पाई माइनस थीटा, और साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो देखिए हम इसको क्या लिखेंगे, साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, थीटा के जगह पर पाई साइन स्क्वायर एक्स है, साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा। ये थीटा अब जीरो हो रहा है, एक्स जीरो रखने पर ये जीरो हो जाएगा, तो साइन जीरो जब आ गया फैक्टर के रूप में तो शॉर्टकट करते हैं, साइन थीटा के जगह पर थीटा रखते जाएंगे, साइन थीटा, ये थीटा जीरो टेंड कर रहा तो साइन थीटा के जगह पर ये थीटा रख दिया, साइन थीटा के जगह पर ये थीटा रख दिया। और अब देखिए फिर साइन जीरो आ गया, एक्स जीरो टेंड कराने पर साइन जीरो आ गया तो साइन थीटा के जगह पर थीटा यानी साइन एक्स के जगह पर एक्स रख देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, फाइनल आंसर क्या हो गया पाई, तो इसका आंसर हो गया पाई। हम लोग इसको एल हॉस्पिटल्स रूल से भी बना सकते हैं और इस मेथड से भी बना सकते हैं। एल हॉस्पिटल्स रूल हम लोग डिटेल में एक अलग टाइप पढ़ेंगे।